देखिए आगे सवाल में दिया गया है कि नीचे दी गई धारिता को लीटर में बदलिए। यहाँ सब मिल लीटर में दिया हुआ है, इन सबको किस चीज़ में चेंज करना है, लीटर में अब चेंज करना है। 8 नंबर सवाल में दिया है 5700 मिली, इसको लीटर में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम समझने के लिए लिखते हैं कि 1000 मिली बराबर कितना का होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए 1 मिली बराबर कितना होगा, 1 मिली बराबर कितना होगा, 1 मिली बराबर 1/1000 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। यदि 1 में 1000 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, 0.001, ठीक है, इतना लीटर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल में कितने दिए हैं, 5750 मिलीलीटर बराबर कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 5750 मिली बराबर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5750 और गुणे 1/1000। यदि इस मिलीलीटर में हम 1000 से भाग देंगे तो यह किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, यह लीटर में चेंज हो जाएगा। देखिए 5750 में यदि 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही संख्या हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5000 बराबर, देखिए 5750 और बटे में 1000, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पर हम कटा भी सकते हैं या नहीं भी कटाए तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 1 पर कितने अंक हैं, 1 पर 3 अंक हैं, तो 3 अंक से पहले यहाँ हमें दशमलव देना होगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं 5750, ठीक है, और यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ 3 अंक से पहले दशमलव देना होगा। देखिए यहाँ पे 1 हो गया और ये दूसरा अंक और ये तीसरा अंक, तीसरा अंक 7 आ रहे हैं तो 7 से पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और यह लीटर में है तो इसको भी यहाँ पर हम लीटर में लिख देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5750 मिलीलीटर बराबर 5.750 लीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर सवाल में देखते हैं। 9 नंबर में दिए हैं 12 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, यानी 12050 मिली। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12050 मिली। ठीक उसी प्रकार हम भी इसकी तरह चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 मिली बराबर 1 लीटर, ठीक है। तो 1 मिली बराबर 1/1000 लीटर। तो हमें 12050 मिलीलीटर का निकालना है यानी लीटर में, तो यहाँ पर लिखेंगे 12050 मिली बराबर, देखे कितना हो जाएगा। अभी देखिए इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो 12050 और बटे में 1000। देखिए अब साधारण तौर पर इतना आप कह सकते हैं कि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। तो 1000 से भाग देंगे तो यह किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, यह लीटर में, यह पहले मिलीलीटर में था, अब किस चीज़ में चेंज हो गया, लीटर में, 1000 से भाग देने के लिए, ठीक है। देखिए 1000 से भाग देने से यह लीटर में जब चेंज हो गया तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा भी सकते हैं, तो आपको कितना अंक प्राप्त होगा, 12 1250 और बटे में, यदि 1 0 हम काट दिए तो कितना बचा, 100 बचा, ठीक है। अब देखिए यदि 1205 में यदि हम 100 से भाग देंगे, यह लीटर में है, तो कितना हो जाएगा, 1 पर कितना अंक है, 2 अंक है, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 2 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12.05 लीटर, ठीक है, 12.05 लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आगे दिए हैं 10 नंबर में 6005 मिली, इसको लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक ही बार में लिख देते हैं कि इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे।
तो 6005 और गुणे, सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे 6005 मिली बराबर 6005 और गुणे 1/1000 लीटर। तो देखिए 6005 में यदि 1 से हम गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6005 और बटे में 1000, फिर यहाँ पे लीटर। तो देखिए 1 पर कितने अंक हैं, 1 पर 3 अंक हैं, तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं 6005। 1000 से हम भाग देंगे तो इसमें हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, 1 पर कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, तो 1 और ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ दशमलव होगा यानी 6.005। तो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, लीटर में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ दिया है 6.005, अब यदि इसको हम दशमलव को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 पर 3 जीरो उतार देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए जब दशमलव कट गया और यहाँ पे यदि दशमलव के बाद जो अंक है यहाँ पे हम यदि इतना जीरो बैठा दिए तो यह पूर्ण अंक हो जाएगा, जैसे 6005, ठीक है। 6000 कितना हो जाएगा, 5 और बटे में 1000, तो यह संख्या जो है यह इसके बराबर आ गया। तो इसको दशमलव में चेंज किए तो कितना हो गया, 6.005 लीटर, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं, 11 नंबर। देखिए अब इस सवाल को हम बनाएंगे 11 नंबर में दिया है 15040 मिली, इसको लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ हम लिख लिए 15040 मिली बराबर, इसको लीटर में यदि हम बदलेंगे तो 1/1000 करके इसे भाग देंगे, 15040 गुणे 1/1000 और इसको लीटर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि 1000 से इसे हम भाग देंगे तो किस चीज़ में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा, तो यहाँ बराबर देख के लिखेंगे 15040 और बटे में 1000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप जीरो से जीरो कटा भी सकते हैं और नहीं कटाए तो यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 1 पर कितने अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15040 और 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 अंक से पहले दशमलव लगेगा, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 3 अंक से पहले यहाँ पे लगेगा, तो 15.040 हो जाएगा, ये किस चीज़ में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल क्या दिया है, 900 मिली इसको भी लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 900 मिली, ठीक है। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 900 मिली बराबर 900 और गुणे 1/1000 लीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 900 और बटे में 1000 लीटर, ठीक है। देखिए 900 में 1000 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए 3, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 900, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, और 1 पर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 अंक से पहले दशमलव हमें लगाना पड़ेगा, तो 3 अंक यह हो गया, इससे पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.900 लीटर। देखिए यहाँ इसके पहले हम 0 यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, 0 लगा सकते हैं, तो 0.900 यह किस चीज़ में होगा, लीटर में होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 नंबर तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आगे 13 से क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल में दिया है कि 5.750 और 2.500 लीटर को जोड़िए, इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखिए यह दोनों संख्या जो है यह किस चीज़ में दिया है, यह दोनों लीटर में दिया है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसको, यहाँ पर लिख लेंगे 5.750 यह लीटर में है, प्लस 2.500
पाँच जीरो जीरो, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 5.750 और 2.500, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। पाँच में जीरो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच, और सात और पाँच बारह, तो बारह का दो और हासिल एक। इसके बाद क्या है, दशमलव है, तो यहाँ दशमलव दे दिए। पाँच और दो कितने होते हैं, सात, और एक हासिल आठ, 8.250, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 8.250, एक ही चीज़ में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर में दिया है कि 12.250 में से 8.750 को घटाइए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12.250, ये लीटर में है, में से 8.750 ये लीटर में दिया है, घटाइए, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 12.250 लीटर प्लस, सॉरी घटाव है ना, यहाँ पे माइनस दे देंगे और यहाँ पे 8.750, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12.250 और 8.750, इसको हमें घटाना है, तो जीरो हो जाएगा। देखिए पाँच यहाँ पर है और पाँच यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से घटाएंगे, सेम अंक है, तो जीरो हो जाएगा। और यह अंक कितना कितना है, दो है, और ये सात है, दो में से सात नहीं घटेगा, तो एक इसमें से हार से लेंगे, तो कितना हो जाएगा, बारह, बारह में से सात घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच, और इसके पहले यहाँ दशमलव है, तो दशमलव लगा देंगे, तो यह अंक कितना बचा, यह अंक एक बचा, तो यह पूरा कितना हुआ, ग्यारह, ग्यारह में से आठ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तीन, तो यानी यहाँ पर लिख देंगे 3.5, यह किस चीज़ में हो जाएगा, यह लीटर में हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर में दिया है कि 2.250 में चार का गुणा कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2.250, यह लीटर में है, में चार का गुणा कीजिए, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2.250, यह लीटर में, ठीक है। यह बोल रहा है किस चीज़ से गुणा करने के लिए, चार से गुणा करने के लिए, ठीक है, तो इसमें हम चार से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.250 और गुणे में चार। देखिए यदि दशमलव यहाँ पर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, तीन अंक है, तो एक पर तीन जीरो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो जब दशमलव को हम काट दिए तो हमारा पूरा अंक कितना हो गया, 2250 और गुणे में चार और बटे में 1000, ठीक है। देखिए आप यहाँ चाहे तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा सकते हैं। अब देखिए 225 में चार का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यह किस चीज़ में है, यह लीटर में है, ठीक है। तो चार पच्चे बीस, बीस का जीरो, हारसिल दो, चार दूना आठ और दो दस, दस का जीरो, हारसिल एक, चार दूना आठ और एक नौ, तो यह पूरा कितना हो गया, 900, यानी 225 में यदि चार का गुणा करेंगे तो 900 हो गया और बटे में कितना है, 100 है, ठीक है। यदि इसको हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, चाहे तो आप दो जीरो से दो जीरो यहाँ कटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 यह लीटर में हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल में दिए हैं 8.5 लीटर में 5 का भाग दीजिए। तो इस सवाल को हम यहाँ लिख लिए, बोल रहे हैं इसमें कि इतना में 5 का भाग दीजिए, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 8.500 दिया है, यह लीटर में है, ठीक है,
और इसको पाँच से भाग देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख लेते हैं कि 8.500 सॉरी ये भागा में पाँच है तो बटा में यहाँ पाँच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव दिए हैं, तो यदि दशमलव का हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ गुणा करके एक पर कितने अंक, एक पर तीन अंक है, तो यहाँ पर हम 30 लगा दिए तो यहाँ पूरा कितना हो जाएगा 8500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पाँच में यदि 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर 20 से यदि हम 20 कटा दिए यह कितना बचा 85 और बटे में 5। ठीक है, देखिए अब इसको हम कैसे कटाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 85 और बटे 50। ठीक है, यदि हम इसे हम 5 से कटाते हैं तो यह 17 बार में कट जाएगा, 17×5=85, और इसे हम कटाएंगे तो यह 5×10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ 17 और बटे में 10। देखिए यदि 17 हम 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 1.7 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 17 में हम यदि 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम बता देते हैं 10 का यदि हम भाग देंगे तो यहाँ 1/17 है तो एक अंक पर 10 है तो यहाँ 1.7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.7 लीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर तक हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।